शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 370 को खत्म करने का फैसला सही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू है। आर्टिकल 371 के तहत ऐसा संभव है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 370 हटाना राष्ट्रपति का अधिकार गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये तमाम बातें कह दी है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का भी आदेश दे दिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, 370 को खत्म करने का फैसला सही था, कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है। लेकिन हमारा अधिकार पॉलिटिकल लेवल पे बरकरार है। हम जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, हम जाएंगे विपक्ष के नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे मिलेंगे, पूरे देश भर के लोगों से मिलेंगे और अपने राइट्स की बात करेंगे। एक आंदोलन की जरूरत है, वो आंदोलन हम चलाएंगे। हाँ, लोगों को कहेंगे खाली शांति रखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि तो हम जो बात कह रहे हैं, हम उस बात पे नहीं रिव्यू उनको मांग रहे कि ये भारत का अंग है या नहीं है। जो 370 था वो भारत का कहीं पर वो चैलेंज सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी नहीं कर रहा था। हम बात कर रहे हैं कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या मिलना चाहिए। विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अपने फेडरलिज्म में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपका 370 35 से फ्लैग वो मिल सकता। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भारत का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक इंटीग्रिटी यूनिटी की बात की है, हम उस पर सारे लोग सहमत है अदरवाइज भी, लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे पे हमें अपना अधिकार मिले। मोस्ट वेलकम, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, दैट्स गुड। स्टेटहुड रेस्टोर होगा, दैट्स गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट हुई है भारत, यूनियन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के लोगों और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। तो वो जो एक आपस में जो रिश्ता था, हम चाहते हैं उस रिश्ते की कदर हो। जिन बुनियादों पे वो रिश्ता था वो कायम और दायम रहे, उसका मतलब हुआ कि हमें स्वायत्तता मिले, प्री 53 पोजीशन मिले, उसके लिए हम फाइट करेंगे। थैंक यू। तो एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अब इस पर आंदोलन किया जाएगा और भी पॉलिटिकल पार्टियों से राय ली जाएगी और इस पर आगे का जो कदम है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस पूरे मसले पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो। इस पर सीजीआई ने क्या कुछ कहा है ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370, Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO-273 is a valid exercise of constitutional power. Whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose, to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. तो सुना आपने यहाँ पर क्या कहा है सीजीआई ने। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था 370 का बिल्कुल सही था। अब इसको लेकर आगे भी ये कह दिया है कि अब इस पर चुनाव भी कराया जाए, उसके लिए टाइमलाइन भी दे दी है सीजीआई ने। अब हालांकि इसको लेकर अब आगे की जो प्रतिक्रिया है वो भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर आंदोलन भी किया जा सकता है। तो